हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग घरों में हैं, सुरक्षित हैं और बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग कंप्यूटर की क्लास ले रहे हैं और मैंने आपके लिए एक स्पेशल सी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी हुई है। हम लोग कंप्यूटर के बेसिक से शुरू करते हैं, तो जिनके लिए कंप्यूटर एक नया विषय है उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी रहेगी। तो अब आगे आप जो पहली स्लाइड में देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट यानी कि जो मैटर उसको दिया जाता है कंप्यूटर में, डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत करता है या प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, फाइल जो है वो टाइप कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वेब ब्राउज करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं हम, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशंस वगैरह और वीडियो वगैरह भी इसमें बना सकते हैं। अगर कंप्यूटर की परिभाषा देखें, कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। डेटा इनपुट प्रोसेस बाय कंप्यूटर यूजर बाय आउटपुट रिजल्ट्स आर प्रोवाइडेड एज। तो इस तरह से ये कंप्यूटर है। अब देखिए कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। तो कंप्यूटर जो है वो मैटर इनपुट लेता है, इनपुट यानी कि लेने वाला मटेरियल, और उसको प्रोसेस करता है और फिर वापस आउटपुट देता है। तो अब इसमें कौन कौन से डिवाइसेस काम आती हैं, तो इनपुट में माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक और वेबकैम। फिर प्रोसेसिंग में सीपीयू होता है और आउटपुट के लिए मॉनिटर और प्रिंटर का उपयोग होता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना या कैलकुलेट, कंप्यूट करना। अतः इस शब्द से जो स्पष्ट है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है, और वर्तमान में इसका क्षेत्र केवल गणना करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा है। जैसे कंप्यूटर के अपनी हाई स्टोरेज कैपेसिटी और अपनी स्पीड, ऑटोमेशन कैपेसिटी, एक्यूरेसी, सार्वभौमिकता यानी वर्सैटिलिटी, और विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी और याद रखने की क्षमता के कारण हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। कंप्यूटर द्वारा अधिक से अधिक मतलब गणनाएं प्राप्त की जा सकती हैं और वो शुद्ध होती हैं। अब इसमें आप देखिए कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। हार्डवेयर मतलब जो चीज़ हम छू सकते हैं, जो कठोर है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कीबोर्ड है, इसका ऑल अलग अलग मॉडेम है, और इसके स्क्रीन आ गया, कीबोर्ड आ गया, रैम आ गया, माउस आ गया, प्रोसेसर आ गया, जो भी इसके हिस्से हैं जिनको हम छू सकते हैं। तो आप एक कंप्यूटर को दिमाग में रखिए, देखिए आपको मॉनिटर दिखेगा, सीपीयू दिखेगा, कीबोर्ड दिखेगा, माउस दिखेगा, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं डिस्क ड्राइव और वो सारी चीज़ें, वो आपको कंप्यूटर में जो जो दिखती हैं और जिन जिन को हम फिजिकली छू सकते हैं, वो सारा इसका हार्डवेयर होता है। फिर आता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम जो हमारे हम कंप्यूटर को निर्देशित करते हैं, वो एक स्पेशल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनता है और उसी से वो कंप्यूटर चलता है। देखिए आप जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं बहुत सारे नंबर और लाइनें आपको दिखती हुई चलती हुई दिखेंगी, तो वो क्या है, इसकी प्रोग्रामिंग है। तो वो पूरा निर्देशों का एक सेट है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को ये बताता है कि क्या क्या करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देखिए जितने भी हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं, वर्ड है, एक्सेल है, या टाइपिंग है, या जो भी है, वो सारे सॉफ्टवेयर से। और इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि कंप्यूटर के टाइप्स, किस किस तरह के कंप्यूटर होते हैं, उनके आकार के हिसाब से। एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो टेबल पे रखा जाता है, जिसमें ये सामने दिए गए चार कंप्यूटर चीज़ें हैं। तो उसमें जैसे देखिए सीपीयू है, माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, और इसके अलावा जैसे हम जो हमारी जो टिकट काटने वाली मशीन है, एटीएम मशीन है, ये भी एक तरह का कंप्यूटर है। तो बहुत सारी छोटे छोटे बड़े बड़े कंप्यूटर, और एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो एक सामान्य सी चीज़ है जो लगभग हर ऑफिस और हर घर में मिलते हैं। अब कंप्यूटर के साइज़ के हिसाब से भी कंप्यूटर कई तरह के हैं, उनके प्रोसेसिंग के हिसाब से भी कंप्यूटर बहुत तरह के होते हैं।
अब देखिए ये है लैपटॉप्स। हम सभी वाकिफ हैं कि लैपटॉप यानी कि जो हमारी गोद में रख के हम काम कर सकते हैं, लैपटॉप भी कंप्यूटर है। तो इस तरीके से ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से इसको ले जा सकते हैं। फिर है टैबलेट। टैबलेट मतलब हम जो छोटा एक क्या रेक्टेंगल शेप का यानी कि आयताकार आकार का एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें कीबोर्ड नहीं होता लेकिन उसमें टच करके हम सारा काम करते हैं और वो कीबोर्ड और माउस की बजाय टैबलेट टाइपिंग या नेविगेशन से चलता है। और आईपैड जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हालांकि सब कंपनियां अपना अपना टैबलेट निकालती हैं, सबने निकाले हुए हैं, आप लोगों ने यूज़ भी किए हुए होंगे, देखे हुए हैं। फिर है सर्वर। सर्वर यानी कि जो मेन कंप्यूटर होता है, बड़े बड़े संस्थानों में एक कंप्यूटर मेन होता है और उस संस्थान के बाकी जो कंप्यूटर हैं वो सब उससे जुड़े होते हैं और जो नेटवर्किंग का काम करते हैं। जैसे क्या होता है, कोई बहुत बड़ी बैंक है उसमें क्या होता है, हर टेबल पे एक एक कंप्यूटर लगा होता है लेकिन वो कंप्यूटर जो है वो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जो स्ट्रॉन्ग रूम में होता है या उनके स्टोरेज में होता है उसमें होता है, उसकी हार्ड डिस्क भी बहुत बड़ी होती, सारी इन्फॉर्मेशन जो बाहर छोटे छोटे कंप्यूटर पे उसमें डालते हैं ना वो सारी उस मेन कंप्यूटर में जाके जो है वो स्टोर होती है। तो इस तरह से ये हो गया सर्वर कंप्यूटर। उसके बाद भी और बहुत सारे कंप्यूटर के पैटर्न है जो आप देखेंगे, जैसे स्मार्टफोन है, हमारा जो स्मार्टफोन है वो अपने आप में एक कंप्यूटर है। फिर वियरेबल कंप्यूटर जो फिटनेस वॉचेस होती हैं, स्मार्ट बैंड होते हैं वो वियरेबल है जो पहनने योग्य है। गेमिंग कंसोल, हम कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, वो भी सब एक तरह का कंप्यूटर है। और हमारा टीवी जो है जो हम तक इंटरनेट के जरिए सारे प्रोग्राम पहुंचाता है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। कंप्यूटर टाइप्स है, अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहला है गति। कंप्यूटर बहुत तेज होता है, हम पलक झपकते उतने में तो उसमें गणनाएं हो जाती हैं, बहुत स्पीड होती है इसकी। तो देखिए आप कहीं पे नोट करते चलिए, पहली इसकी विशेषता है स्पीड और दूसरा है ऑटोमेशन, मतलब सारा काम ये स्वचालित है। एक बार इसको इन्फॉर्मेशन दे दो, आउटपुट यानी कि रिजल्ट आने तक ये सारा काम खुद करता है, तो ऑटोमेशन इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता देखें तो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। कंप्यूटर में एक टर्म है GIGO, GI मतलब गार्बेज इन, GO गार्बेज आउट, मतलब आप जैसी कंप्यूटर को सूचना देंगे वह उसी सूचना को उसी एक्यूरेसी यानी शुद्धता के साथ, जो सूचना दी है, जो कमांड दिया बिल्कुल उस कमांड के हिसाब से काम करेगा। तो आप उसमें गंदी गलत सूचना डालेंगे तो रिजल्ट भी गलत आएगा, कचरा डालेंगे तो कचरा बाहर आएगा, और सही सूचना डालेंगे तो सही सूचना आएगी। और अगला है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी है कि सार्वभौमिकता, मतलब कंप्यूटर हर जगह हर स्थान पर अवेलेबल है, हर जगह यह काम किया जाने लगा है, तो इसका कोई एक फिक्स काम का एरिया नहीं है, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट, बिजनेस, स्कूल, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग होता है। इसके बाद अगली इसकी है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब इसकी जो स्टोरेज है या संग्रहण क्षमता है, इसकी मेमोरी बहुत बड़ी होती है, बहुत सारी लाखों शब्द, हजारों प्रोग्राम्स, डेटा, गेम्स वगैरह इसमें स्टोर होते हैं और कुछ ही सेकेंड में हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद है डिलीजेंस या कर्मठता, घंटों का काम ये कुछ मिनटों में कर देता, आप इसको घंटों काम में लेंगे, जब तक बिजली नहीं जाएगी ये कंप्यूटर बंद नहीं होगा, और ये ऊंच नीच भी नहीं देखता, जो इसका यूजर है चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, सबके लिए एक ही तौर पर बराबर ये काम करता है, तो ये इसकी कर्मठता है। फिर अब पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, कंप्यूटर के याद रखने की क्षमता। देखिए कंप्यूटर में एक बार आपने कोई डेटा सेव कर दिया, देखिए सेव करना जरूरी है, खाली लिखना नहीं, उसको सेव कर दिया वो कभी भी नहीं भूलेगा, आप जब इससे वापस मांगोगे वो आपको वापस दे देगा। उसके बाद हम शॉर्ट वर्ड्स में इसको समराइज करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से हुई है। कंप्यूटर यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट और किए गए डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या कैसे करना है, और हार्डवेयर
कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसमें भौतिक संरचना शामिल है जिसे हम देख छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम देख छू नहीं सकते। लैपटॉप एक बैटरी संचालित कंप्यूटर होता है और जो डेस्कटॉप से अधिक पोर्टेबल है। डेस्कटॉप कंप्यूटर पे टेबल पे फिक्स रहता है और टैबलेट में टाइपिंग और नेविगेशन के लिए टच या संवेदनशील स्क्रीन होती है। इसमें हम चाहें तो अलग से जो कीबोर्ड वगैरह अटैच कर सकते हैं, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चों की आपको ये अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, आपने शॉर्ट में जान लिया होगा कि कंप्यूटर क्या है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए वीडियो नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, कोरोना से सुरक्षित रहिए। थैंक यू।